अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शामिर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मकान सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनने वाले इंटरचेंज की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनने वाले ओवरसीज की सेक्टर ए में इस टाइम पे डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं M2 मोटरवे इंटरचेंज की, जिसपे पूरे प्रोजेक्ट का दारोमदार है। यानी कैपिटल स्मार्ट सिटी की आने वाले दिनों में जितनी क्रेडिबिलिटी है, जितनी ब्रांड वैल्यू है, सबकी सब डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट, कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज ऑन मेन M2 मोटरवे। राइट नाउ इस जगह का क्या स्टेटस है, कैपिटल स्मार्ट सिटी को 2021 के एंड पे और 2022 के स्टार्ट में एक टेम्परेरी एक्सेस मिली थी ऑन मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज। यानी आप अगर इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको मोटरवे के पॉइंट नंबर 332 और 333 के दरमियान एक टेम्परेरी एक्सेस मिलती है। अगर आपका साइट पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको एक परमानेंट पास, अगर आपने साइट जस्ट विजिट करनी है या आपका साइट पे कोई प्लॉट है तो आपको एक टेम्परेरी पास दिया जाता है जो कि 1 डे यूज़ के लिए होता है। लेकिन जो मेंबर स्मार्ट सिटी की साइट विजिट करते थे उन्हें वहाँ पर कुछ हर्डल्स फेस करना पड़ती थी, जैसा कि अगर वो इस्लामाबाद वापस कम्यूट करना चाह रहे हैं तो उन्हें चक्री इंटरचेंज से घूम के वापस आना पड़ता था। लेकिन लास्ट इवेंट जो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है उसमें ग्रुप CEO मलिक असलम साहब ने ये अनाउंस किया है कि हम स्लिप आउट भी जल्द ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, जिससे क्लाइंट्स को ये फ़ायदा होगा, एक तो उनका टाइम भी बचेगा और दूसरा वो स्मार्ट सिटी इंटरचेंज से ही वापस इस्लामाबाद की तरफ कम्यूट कर सकेंगे। अब इस इंटरचेंज का स्मार्ट सिटी के मेंबर्स को या स्मार्ट सिटी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा। गुलबर्ग ग्रीन्स एक वेल नोन प्रोजेक्ट है जहाँ पर 10 मरले का प्लॉट इंटरचेंज ऑपरेशनल होने से पहले 30 से 35 लाख रुपए का था। जब इंटरचेंज ऑपरेशनल हुआ है, इंटरचेंज ऑपरेशनल होने के 6 मंथ बाद ही वही प्लॉट जो 30 से 35 लाख रुपए का था, आज वो प्लॉट 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट में है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्लिप आउट ऑपरेशनल ना होने की वजह से मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ रही थी, जिसमें से एक ये भी थी कि मेंबर्स अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा था, चक्री से घूम के आना पड़ रहा था। लेकिन अब स्लिप आउट ऑपरेशनल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2024 आपको एक अच्छा नंबर साइट पे मूव होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट सेक्टर ए की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। बात की जाए सेक्टर ए ओवरसीज ईस्ट की तो इसमें टोटल प्लॉट 264 हैं, जिसमें 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो 234 हैं। एक किनाल के अगर प्लॉट्स की बात की जाए तो 17 एक किनाल के प्लॉट्स हैं और 13 दो किनाल के प्लॉट्स हैं, जिसमें सोसाइटी के मैनेजमेंट के विलास की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। अगर बात की जाए इस सेक्टर में कमर्शियल यूनिट्स की तो 37 कमर्शियल यूनिट्स भी इस सेक्टर में मौजूद हैं, जिसकी डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर मौजूद मेंबर्स को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों की एजुकेशन के लिए स्मार्ट स्टेम स्कूल यहाँ पर ऑपरेशनल है, साथ ही साथ 2 लीनियर पार्क, जिसमें से एक लीनियर पार्क के अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और मिनी क्रिकेट का प्लेग्राउंड भी मौजूद है। साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पर स्मार्ट हॉस्पिटल, जो स्मार्ट स्टेम हॉस्पिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाया जा रहा है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कम्प्लीट हो चुका है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर अगर देखा जाए तो आपको गोल्फ कोर्स की एंट्रेंस भी मिलती है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर बी और सेक्टर सी की डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है, और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको कवर कर सकूं, ताकि आपका प्लॉट जिस भी सेक्टर में है आपको मालूम हो सके इस टाइम पर उसकी डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल। कैपिटल स्मार्ट सिटी के रिलेटेड किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए या बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगली वीडियो तक के लिए शामिर उस्मानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।